फरीदाबाद के समयपुर गांव में सोमवार की देर शाम को हुए जातीय संघर्ष में दो पक्षों के 8 लोग घायल हो गए। नोएडा निवासी हरकेश और राजेश दोनों भाई कुछ साल पहले समयपुर गांव में आकर बसे थे। समयपुर गांव बैरागी बाहुल्य गांव है, जबकि हरकेश राजेश राजपूत बिरादरी का अकेला ही घर है। इनके पड़ोस में रवि का परिवार रहता है। पुलिस ने बताया कि रवि और उसके परिवार वालों को शक है कि हरकेश और राजेश का परिवार जादू टोना करते हैं, जिससे आस पड़ोस में कई लोग बीमार पड़ जाते हैं और उनके घर में गृह क्लेश रहता है। इसी बात को लेकर इनमें रंजिश चली आ रही है। हरकेश ने बताया कि सोमवार को जब है शाम को अपनी ड्यूटी से घर पहुंचा तो वहां पहले से मौजूद 15-20 लड़कों ने लाठी डंडे से उस पर हमला कर दिया। खुद को बचाने के लिए हरकेश राजेश का परिवार अपनी छत पर चढ़ गया और वहां से पथराव करके जान बचाई। सर, मैं यहां से अपनी ड्यूटी से घर पर पहुंचा, वहां पर लेडीजों में आपस में झगड़ा हो रहा था। अचानक से कुछ लोग आए, 15-20 लड़के थे, डंडे वंडे लेके हाथ में, और मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी। जैसे मैंने अपने भाई को बचाने की कोशिश करी तो इसके सर में एक लोहे का वो गेंदारा मार दिया। मामला बढ़ता देख पूरी जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई। कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंची तो दोनों पक्षों के 8 लोग जख्मी थे और गांव में एक पक्ष के लोग फिर से हमले की तैयारी में थे। पुलिस ने हरकेश के परिवार को घर से निकाला और अस्पताल पहुंचा दिया। हरकेश परिवार पिछले काफी दिनों से झगड़े की फिराक में था। उन्होंने झगड़े की नीयत से पहले ही छत पर ईंट पत्थर रखे हुए थे। कई लड़के भी बुला रखे थे। उनके द्वारा किए गए पथराव में मुझे गंभीर चोटें लगी हैं। भाई साहब, मैं बाइक लेने गया था बीच बचाव में, तो मेरे पर उन्होंने हमला किया था पीछे से। बाइक ले रहा था मैं, जब मारा तो उन्होंने डंडे से। किसने हमला किया था? एक उसका नाम है रामवीर और हरकेश, एक चाचा का लड़का है। तो वहीं हरकेश के परिवार का कहना है कि दूसरी जाति के लोग उनको गांव में रहने नहीं देना चाहते, बार बार झगड़ा करते हैं। हमने कई बार पुलिस में शिकायत की है, इस बार उन्होंने हमारे घर पर आकर पथराव किया और लाठी डंडे सरिये से हम पर हमला किया है। हमलावरों ने मेरे देवर देवरानी को बहुत मारा है। देवरानी तो गर्भवती थी, उसके पेट में लात मारी गई है। कोई बात नहीं हुई थी, हम तो यहाँ बैठे थे सारे के सारे, और वहाँ से ये सारे बैरागी एक गांव चौक हो पूरे वो हो गए गोल बैरागी, और आके एक 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 आदमी के हाथ में दो दो लाठी थी और बस बरसाना चालू कर दिया। बात क्या थी, किस वजह से लड़ाई हुई? बात कुछ भी नहीं थी, बात अच्छा कुछ ही बात नहीं, बस छोटी सी, बस माँ बेटा आपस में बतला रहे, तो बोले कि हमारी चुगली कर रही हैं लोग। अच्छा, पड़ोस में रहने वाले थे जो? हाँ, पड़ोसी। कितने लोग यहाँ पर पहुँच गए अचानक से? और कम से कम जो पहुँचे यहाँ पर लेके 200 आदमी थे, 200-300 आदमी थे कम से। एक मेरे देवर हैं, एक मेरे हस्बैंड हैं, एक मेरे देवर हैं, वो भी देवर के फ्रेंड हैं, मेरी देवरानी प्रेग्नेंट है जिसके पेट पे लात मारी है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में हरकेश राजेश, हरकेश की पत्नी और एक अन्य घायल हैं, जबकि दूसरे पक्ष से रवि, सुखबीर, अजीत व अन्य एक घायल है। कल रात को सूचना मिली थी कि समयपुर गांव में दो पक्षों में झगड़ा हो गया है, जिसकी अभी जांच चल रही है। जो अभी तक थे सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जा रही है। आप मौके पर पहुंचे तो कैसे आपने जो है जांच की प्रक्रिया वहां पर देखी, क्या सुना, कैसे आप जो है उसमें कार्रवाई कर रहे हैं? जब मौके पर पहुंचे तो उनको हॉस्पिटल भिजवाया जा चुका था, और अभी कोई साफ क्लियर बात सामने नहीं आई है। जांच के बाद ही पता लगेगा, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सुनपेड़ में साल 2015 में हुए जातीय संघर्ष में 3 की जान चली गई थी। इसके बाद सुनपेड़ में अग्निकांड भी हुआ था। सुनपेड़ ठाकुर बाहुल्य गांव है। समयपुर में भी सोमवार की शाम को हुए जातीय संघर्ष के बाद गांव में तनाव बना हुआ है। एक पक्ष गांव में अकेला है तो दूसरा पक्ष बहुलता में है। इसी को देखते हुए पुलिस संभल कर कार्यवाही कर रही है।